हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में, और उसका जो एग्जाम होने वाला है सीबीटी 2 का, उसका जो है डेट जो टेंटेटिव डेट दिया है 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में होने का, क्या 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में सीबीटी 2 एग्जाम होगा, इसके क्या चांसेस हैं, और सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया है उस पर जो जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं उस पर थोड़ा जो है सो हम लोग बातचीत करेंगे। तो बात करते हैं पहले कि इस पे जो एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम है 14 फरवरी से होने वाला, क्या उसका जो है सो वो होगा या नहीं होगा, या कितने चांसेस हैं होने का। तो सबसे पहले आपको बता दें, जैसे कि आप सभी को बहुत सारे को मालूम होगा कि आरआरबी मुजफ्फरपुर के जो चेयरमैन है वो क्लियरली बता दिए हैं कि जो एग्जाम है वो 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 लिया जाएगा। इसके बाद जो है सो मार्च 15 मार्च तक उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। आगे का जो भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखा जाएगा अप्रैल मई जून जुलाई तक, और फिर आगे का प्रोसेस करके ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा बहुत ही जल्दी। तो आप बात उठता है कि क्या मतलब, तो आप तो पता ही चला गया कि जो है सो एग्जाम होने का पूरा पूरी चांसेस है कि मतलब टाइमली जो 14 फरवरी है 14 से 18 फरवरी उनके बीच में हो जाएगा। 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में जितने भी लेवल है लेवल वाइज एग्जाम होगा, लेवल 2 का अलग, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, जो भी पांच प्रकार का लेवल है लेवल 2, 3, 4, 5, 6 उसका अलग 5 दिन में जो है सो एग्जाम कराने का पूरा पूरी कोशिश होगा कि 5 दिन में 5 शिफ्ट में मतलब 5 अलग अलग दिन में 5 लेवल का एग्जाम कराया जा सके। और ये बहुत ही ज़्यादा चांस है कि कराया लिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 5 दिन में अगर होगा तो जो है सो लेवल अलग अलग लेवल में अलग अलग पोस्ट है, और उसका अलग 20 टाइम्स करके अगर कैंडिडेट को बुलाया जाता है सीबीटी 2 के लिए, तो बहुत ही कम 1-1.5 लाख और मतलब 3-3.5 लाख जो है सो लेवल 5 में पोस्ट सबसे ज़्यादा है 17,000 के करीब, तो उसका 20 टाइम्स मतलब कि 3,40,000 का कैंडिडेट आएगा, तो उतना जो है सो कंडक्ट करवा लिया जाएगा एक ही दिन में। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, आरआरबी मुजफ्फरपुर के चेयरमैन साहब बोले हैं। तो उनका जो भी और क्या क्वेश्चन उठ के आ रहा है, और क्वेश्चन आ रहा है उठ के कि जो है सो 12th का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गया है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जिनका भी रिजल्ट हो गया है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में, वो सब तैयारी के लिए पूरी तैयारी अच्छे से तैयारी के लिए लग जाइए सीबीटी 2 के लिए। और सीबीटी 2 में जो है सो कंपटीशन तो और अपेक्षाकृत कम ही है, और जो 12th के लेवल के जो पोस्ट हैं जो 12th पे क्वालिफाई किए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है कि वो जो है सो, क्योंकि उनको जो ऊपर का पोस्ट है जो लेवल 6 का पोस्ट है, 5 का पोस्ट है, 4 का पोस्ट है, उस पे जो भी ग्रेजुएशन से कंप्लीट किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन वाले जो भी बंदा जो है सो आया है वो सभी उसमें उनका जो सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद जो है सो रिजल्ट निकाला जाएगा, इसके बाद जो है सो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, मेरिट लिस्टेड किया जाएगा लेवल 2 का, लेवल 3 का। तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट लेवल मतलब 12th वाले होंगे, 12th वाले ज़्यादातर स्टूडेंट होंगे, और उसको मौका मिलेगा उसमें जाने का। तो कंपटीशन बहुत कम है, जिनका भी आया है तो ज़्यादातर वो ये सोच के चलिए कि उनका रिजल्ट होगा, ठीक है, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोगों का रिजल्ट होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, घबराने का वाली बात नहीं है। बहुत सारे डॉट आ रहा है निकल के, सबसे ज़्यादा जो है सो ये डॉट निकल के आ रहा है कि 12th वाले को बहुत ही कम मौका मिला यहाँ पे, ग्रेजुएशन वाला एक दो दो तीन ज़्यादा पोस्ट पे मतलब ज़्यादा लेवल पे रिजल्ट लेकर आ गए हैं, और 12th वाले को बहुत ही कम मौका देखने को मिला है। तो इसका एक कारण ये भी है, सबसे बड़ा कारण जो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि 12th का पोस्ट जो आप लोग देख रहे हैं उसका पोस्ट बहुत ही कम है, 10,000 के करीब पोस्ट है, और 10,000 के करीब अगर अलग से भी एग्ज़ाम कराया जाता, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर एक ही एग्ज़ाम कराया गया जिसमें ग्रेजुएशन वाला को दोनों में रिजल्ट दिया, मतलब कि 12th लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी, अगर अलग अलग भी एग्जाम होता, मतलब 12th का लेवल पोस्ट का अलग एग्जाम होता और ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट का अलग एग्जाम होता, तो
फिर भी जो है सो ग्रेजुएट 12th लेवल पे जो पोस्ट था उसका ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट दोनों फॉर्म भरते, ठीक है, और फिर जो कंपटीशन जो है सो उतना ही रह जाता। तो इसीलिए यह फायदा हो गया कि जो सेम एग्जाम होने से तब पर भी उतना ही फर्क पड़ा। तो कोई मतलब ज्यादा कंपटीशन कम हो गया या ज्यादा हो गया ये नहीं, ये सोचिए कि 10,000 पोस्ट पे अगर 1,25,26 लाख जो सो एग्जाम फॉर्म फिलअप होता है तो कंपटीशन कितना है 12th वाले पोस्ट पे 1200-1300 पोस्ट, मतलब जो है सो 1200 आप खुद डिवाइड कीजिए, 1,26,00,000 कैंडिडेट को डिवाइड कीजिए 10,000 पोस्ट से, तो आपको पता चलेगा कि 1260 का कंपटीशन एक पोस्ट के लिए है। तो इसीलिए ऑब्वियसली जो है सो इसका कट ऑफ ज्यादा जाना ही था और इसीलिए गया ही कट ऑफ, ठीक है। CVT 1 में CVT 2 में इससे कम कंपटीशन है और ज्यादातर जो भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनके ज्यादातर चांस है कि उसका हो जाएगा आगे का प्रोसेस में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी जो RRB चेयरमैन का RRB मुजफ्फरपुर का जो चेयरमैन का जो बयान आया है उसका लिंक हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां पे जाके बाकी सारा आप डॉट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर।